अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं सैलानी की एआई चैटबॉट क्लास में। अच्छा, ये हम बैठे हैं सेक्शन ए में। यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन चल रहे हैं, एक तो चल रहा है MWF मंडे वेनसडे फ्राइडे, और दूसरा चल रहा है वो सिर्फ संडे को होता है। अच्छा, तो ये सेक्शन ए है जो MWF चल रहा है। अच्छा, और आज इनकी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम इनकी शक्लें दिखाई दी सबकी आप लोगों को, और आज इनकी तीसरी क्लास है। अच्छा, तो अभी जरा इनकी प्रोग्रेस देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। अच्छा, अभी आपको बता देता हूँ मैं अभी तक इन्होंने क्या कर लिया है। इन्होंने गिट पे कोड लिख के गिट पे पुश करना पुल करना ये सीख लिया है कि कोई भी कोड लिखे तो उसको गिटहब में पब्लिश कैसे करते हैं, ये इन्होंने सीख लिया है। अच्छा, दूसरा इन्होंने बेसिक HTML सीख लिया है। बेसिक HTML से मैंने इनको लास्ट क्लास में कहा था कि आप जब आएंगे तो एक CV अपनी बनाकर लाएंगे HTML के जरिए। अच्छा, और आज हमने उसको होस्ट करना सीख लिया है कि वो CV लाइव कैसे होगी। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको इनकी शक्लें जरा दोबारा से दिखा दूं। ये सारे लोग हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा अब ये बताओ सबसे पहले कौन दिखाएगा, सबसे पहले किसके पास आऊं चेक करना? सबसे पहले जिसने बनाया था उसके पास आता हूँ। सबसे पहले तुमने बनाया था ना? अच्छा, तुम्हारे पास आ रहा है। सबका तो खैर हम नहीं देख पाएंगे, चार पांच लोगों का देखेंगे। अच्छा, बाकी लोग जल्दी से रेडी कर लें ताकि फिर। अच्छा, पहले तो जरा आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन महमूद है और मैंने मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और अभी रिसेंटली मैंने सैलानी का कोर्स आया हुआ था उसमें इनरोल हुआ, और मैंने ये आज मेरे ख्याल में तीसरी क्लास है जिसमें मैंने ये चीज़ें बनाना सीखी हैं। तो ये सर बताएंगे अभी आपको मेरे जो। अच्छा, ये बताएं कि प्रोग्रामिंग आप पहले भी कहीं पढ़ते रहे हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपका प्रोग्रामिंग आपने पहली दफ़ा पढ़ी है? हाँ। अच्छा, तो जरा दिखाते हैं आपका, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ये मेरी। अच्छा, पहले तो अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी दिखा दें। ये आपकी गिटहब है? अच्छा, ये URL है, ये जाके देख सकता है कोई भी। अच्छा, और ये आपने कोड लिख के यहाँ पुश कर दिया? Yes, अच्छा, ये लिंक भी यहाँ लगा दिया? Yes, अच्छा, खोल के दिखाइएगा फिर उसको। वेल डन यार, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक यू सर। अच्छा, और कौन अगला दिखा रहे हैं? तुम दिखा रहे हो? अच्छा, आ जाते हैं तुम्हारे पास। पहले तुम्हारे अपने बारे में बताओ। सर, माई सेल्फ खीमचंद, आई एम डूइंग बीएस। नाम तुम्हारा बड़ा मुश्किल सा है, क्या बताया? खीमचंद। खीमचंद जी सर, खीमचंद। खीमचंद जी, चंद। अच्छा, चाइनीज ना? नहीं सर। अच्छा, चलो खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाम तुम्हारा याद हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बता रहे थे तुम? सर, आई एम डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम SMI यूनिवर्सिटी। अच्छा, SMIU से ये ग्रेजुएशन में एनरोल है आप? यस। अच्छा अच्छा, और ये प्रोग्रामिंग भी वहाँ पढ़ते रहे होंगे पहले आप? थोड़ी बहुत तो पढ़ाई होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी यहाँ पे। अच्छा, तो अब जरा सा आप अपनी गिटहब पहले दिखा दें, गिटहब की रिपॉजिटरी। नाम पे क्लिक करो, ये आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी है। अच्छा जी, अब वो कोड वाला खोल लें, कौन से रिपॉजिटरी में कोड पुश किया आपने? नहीं, वहीं से चले जाओ, वहीं से चले जाओ, रिपॉजिटरीज में जाओ। अच्छा, ये कौन सी वाली है? माई सीवी। अच्छा, ये कोड है आपका? अच्छा, बस खोल लो, डायरेक्ट कोड ओपन कर लो, वो लिंक ओपन कर लो जो होस्टिंग वाला है। नहीं, वहीं से जाओ, बैक करो, नहीं कोडिंग पे जाओ। हाँ, बैक करो, ये बैक करोगे तो वापस कोड में आ जाओगे। अच्छा, ये यहाँ पे पेस्ट किया हुआ ना लिंक, यहाँ से ओपन करो। अच्छा, ये जरा URL हम पहले करीब से देख लें। अच्छा भाई, ये सब लोग जाके ना इसको देख भी सकते हैं, इस वेबसाइट को। अच्छा, स्क्रॉल करो पूरा, यहीं तक। अच्छा, गुड यार, बहुत अच्छा बनाया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, आपका भी देख लेते हैं। अच्छा, गिटहब की रिपॉजिटरी पहले देखो। ये गिटहब की रिपॉजिटरी का URL है। अच्छा, माई CV। अच्छा, ये कोड है, ये हमारा। अच्छा, बैक करें वो URL, यहाँ पे जो आ रहा था वो कोड ना, ये कोड है। अच्छा, गुड यार, आपने तो फोटो भी लगाई है। अच्छा, वेल डन यार, ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे अपने बारे में थोड़ा बताओ।
क्या करते हो तुम? सर मैं हितेन कुमार मेरा नाम है और मैं सर सैयद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या बात है यार, जबरदस्त। सर तो अभी सैलानी में एनरोल हुआ हूँ तो आज हमारी तीसरी क्लास है, तो ये हमारे वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू सर। अच्छा भाई, हाँ भाई, कौन आ रहे हो अब? जरा सब लोग बुला रहे हैं तो हम जरा चूज करते हैं किसका देखा जाए। चलो तुम्हारा देखते हैं, अपना बताओ, नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा रशीद है और मैं रिसेंटली सैलानी के बैच 2 के अंदर एनरोल हूँ। मैं इस टाइम बीएस कर रहा हूँ बेरिया से और ये मेरी तुम्हारी तीसरी क्लास है। ये आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी है, क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया आपने, आपका भी देख लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हमजा है। हमजा जी जी, और मैं सर सी एस कर रहा हूँ बहरिया। यार थोड़ी सी बहरिया से आप सी एस कर रहे हैं, गुड यार। अच्छा तो आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अच्छा ये इनकी गिटहब की रिपॉजिटरी आ गई। अच्छा और जाएँ जरा अपनी रिपॉजिटरी वो वाली ओपन करें, वहीं से जाएँ, वहीं से जाएँ यहाँ रिपॉजिटरी में। अच्छा बड़े वेल डन यार, आपने तो सी एस एस भी लगाई है इसमें, सी एस एस आती है आपको? अच्छा ज़बरदस्त यार, क्या बात है। अच्छा भाई तो हम और ढूंढते हैं कोई, अच्छा कोई ऐसा बंदा बैठा है जो जिसका प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड ना हो, है कोई ऐसा यहाँ पे? सारे प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड वाले। अच्छा तुम लोग हो, अच्छा दिखाते जाओ अपनी अपनी स्क्रीन। ये तुमने बनाया है, गुड यार, वेल डन, ज़बरदस्त। ये शक्ल भी दिखा दो अपनी एक दफ़ा, नाम क्या तुम्हारा? सैयद इफ्तिहाज अली। अच्छा नाम बताओ। मोहम्मद मुजाफिर। अच्छा ये तुमने कोड लिखा है, अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी दिखा दो। गिटहब में पुश नहीं किया ये कैसे? अच्छा होस्ट नहीं किया? होस्ट नहीं। अच्छा होस्ट नहीं किया तो कर लेना, ये सब लोगों को आ गया, इन लोगों से पूछ के कर लेना। अच्छा आओ भाई तुम बताओ अपना नाम। लेकिन अपना नाम बताओ पहले। मैं बिलाल, एसएमयू का स्टूडेंट हूं। अच्छा बिलाल। अच्छा और ये तुमने असाइनमेंट बनाया है, ये पिक्चर तो बिल्कुल तुम्हारी लग रही है। अच्छा अपने गिटहब की रिपॉजिटरी दिखा दो। गिटहब अभी इसमें लॉगिन नहीं है क्योंकि दूसरे का पीसी है। अच्छा ये जो यूआरएल है तुम्हारा, ये करीब से देख लेते हैं, ये पब्लिक है ना यूआरएल? अच्छा गुड, बेटर जबरदस्त। अच्छा तो भाइयों इन सब लोगों को मैंने ना गिटहब की रिपॉजिटरी बनवा दी है, गिटहब पे अकाउंट इन लोगों का बन चुका है और इन सब लोगों का कोड गिटहब में पुश है। अच्छा यहाँ से कोई दिखाना चाहेगा इस रूम में से? तुम दिखाना चाहोगे? अच्छा ये तुम्हारा असाइनमेंट है, एक मिनट गिटहब जरा करीब से दिखाना चाहूँगा, ये गिटहब आ गया। अच्छा खोलना यूआरएल ओपन कर लो। अच्छा ये यूआरएल भी ये करीब से आ गया, पब्लिक है ना यूआरएल, कोई भी खोल सकता है इसको। अच्छा स्क्रॉल करो, जबरदस्त। अच्छा अपने बारे में थोड़ा बता दो। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं जितेंद्र कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ एसएमआई यूनिवर्सिटी से। एसएमआईयू से कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं जी? अच्छा गुड यार, वेल डन, अच्छा बनाया आपने। और उसके अलावा कोई मसरूफियात है आपकी? ये सिर्फ अभी यूनिवर्सिटी जाते हैं और यहाँ आते हैं? अभी फ्लटर सीख रहे हैं। अच्छा फ्लटर भी सीख रहे हैं आप, वायर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, काफी चीजें आप सीख रहे हैं, बस ये है कि सीख लीजिएगा उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, सिर्फ सीख के छोड़िएगा मत। अच्छा और इस रो से कौन दिखाना चाहेगा? हाँ भाई अपने बारे में बताओ पहले तो। मेरा नाम एजाज उस्मान है, मैंने अभी इंटर किया है और मैं अभी इनरोल हुआ हूँ इस कोर्स में और हमारी थर्ड क्लास है और ये मेरी रिपॉजिटरी है। अच्छा गिटहब की रिपॉजिटरी है, इसमें ये थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा एचटीएमएल का। और यहाँ पे क्लिक करके दिखाओ जरा रिपॉजिटरी का नाम अपने, यहाँ पे क्लिक करो ताकि रिपॉजिटरी तुम्हारी आ जाए। अच्छा कोई इंटरनेट का शायद मसला हो गया। अच्छा ये आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी आ गई। अच्छा अब वो रिपॉजिटरी दिखा देंगे आप, कोड पुशन। अच्छा ये यूआरएल आपका, अच्छा खोल दें जरा, ये पब्लिक है यूआरएल, कोई भी इसको चाहे तो देख सकता है, देख सकता। अच्छा फोटो भी लगाई आपने, गुड यार, स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे लिंक्स भी हैं। अच्छा लिंक भी है, अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? लिंक है उस पर चला जाएगा फिर वायर, जबरदस्त वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा जी फिर इनसे वक्तन फवक्तन हम थोड़ी प्रोग्रेस इनकी देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने अभी एक वेबसाइट बना ली है, अब ये वेबसाइट
ये आपने इसकी करनी है मार्केटिंग। ये जो वेबसाइट आपकी बन गई है, मैंने एक तो दिखा दिया फेसबुक पे सबको, अब आपने क्या करना है, आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, लिंक्डइन चलाते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपने स्टेटस पे लगाना है ये, ताकि सबको पता चले ना कि यार सैलानी में गए थे, ये तीन क्लासें हुई, आज आपकी तीसरी क्लास है, तो तीन क्लासों में आपने जो भी सीखा है वो पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देगा। ठीक है, मार्केटिंग करनी है अच्छे से, आपके खानदान की नानी दादी सारे रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि आप वेबसाइट बनाना आपको आ गई है। सही है, अच्छा फिर मुलाकात रहेगी। चलें जी।